यमुना का जलस्तर बढ़ने पर दिल्ली से कई इलाकों में दिल्ली के हालात बिगड़े। अभी 208.48 मीटर बना हुआ है जलस्तर। नोएडा के यमुना से लगते इलाकों में भी हाई अलर्ट। दिल्ली की मॉनेस्ट्री, मजनू का टीला, निगम बोध का चांदनी चौक में हालात बेहद खराब है, तो जैतपुर, मॉडल टाउन, गुजरावाला, मुखर्जी नगर, गीता कॉलोनी, रिंग रोड पर भी हर तरफ भरा है पानी। फ्रांस दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर की गृहमंत्री अमित शाह से बात। दिल्ली में बाढ़ के हालात के बारे में जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा, दिल्ली में राहत बचाव के पूरे इंतजाम। दिल्ली के उपराज्यपाल से भी पीएम मोदी ने की फोन पर बातचीत। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के बारे में ली जानकारी। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर दी ये जानकारी। दिल्ली में बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित। मानसून और बारिश को लेकर लाल किला 14 जुलाई तक रहेगा बंद। लाल किला में नहीं हो पाएगी आम लोगों की एंट्री। दिल्ली में 16 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल। यमुना नदी से आई बाढ़ को लेकर शिक्षा निदेशालय का फैसला। सभी सरकारी और निजी स्कूल में रहेगी छुट्टी। दिल्ली में आज भी हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। 15 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजधानी के कई इलाकों में पहले ही आई है बाढ़। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा, दिल्ली के हालात पर दूसरों का दोष देना गलत है। शेखावत बोले, ये राजनीति करने का समय नहीं। दिल्ली के जैतपुर इलाके में आई बाढ़। बाढ़ प्रभावितों ने खाली किया घर। 6,000 से भी ज्यादा परिवारों के सामने संकट। दिल्ली के जैतपुर में बाढ़ के पानी में डूबा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित। अभी भी टंकियों में पिछले कई दिनों से आ रहा है गंदा पानी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिल्ली में नजर आ रहा पानी ही पानी। सड़कें, घर और कॉलोनीज के अंदर पानी घुसा। यमुना के पानी से तबाही मची। दिल्ली से लगते गाजियाबाद के लोनी में आई बाढ़। यमुना के पानी से दर्जनों गांव में हालात जो है वो खराब है। बाढ़ के पानी से डूबे खेत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। दिल्ली में लोहे के पुल के पास नजर आ रहा यमुना का दूर तक फैलाव। अंडरपास के अंदर पानी भरने से फंसे कई बड़े वाहन। सड़क पर भरा हुआ है कई फीट पानी। यूपी के बागपत में तटबंध टूटने से खेतों में भरा पानी। सुभानपुर गांव के पास टूटा यमुना नदी का तटबंध। बहाव तेज होने की वजह से तटबंध की मरम्मत में दिक्कत हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फंसे 60,000 पर्यटक सुरक्षित रेस्क्यू। अभी भी 10,000 सैलानियों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश से हुआ काफी नुकसान। आलू मैदान में ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आए तबाही के निशान। बारिश के बाद आई बाढ़ से हुआ काफी नुकसान। हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड महादेव से 7 श्रद्धालुओं के शव बरामद हुए। कुल्लू में अलग अलग स्थानों से अब तक 20 शव बरामद किए गए। बारिश के बाद आई बाढ़ से इलाके में तबाही मची। हिमाचल में बाढ़ की वजह से फंसे पर्यटकों को निकालने का काम जारी है। आपदा में अब तक 91 लोगों की मौत हो गई है। 60,000 लोगों को किया गया है रेस्क्यू। प्रदेश भर में 1,000 सड़कें बंद। हिमाचल के चंद्रताल में फंसे 255 लोगों को निकाला गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ली रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी। यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी अलर्ट है। सेक्टर 187 में बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला गया है। 6,000 से ज्यादा लोगों को किया गया है रेस्क्यू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हरिद्वार के खानपुर इलाके का निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे मुख्यमंत्री। बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर हुआ भूस्खलन। रोड पर आ गिरा एक बड़ा पेड़ और बिजली का पोल। सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। हरिद्वार सिडकुल रोशनाबाद मार्ग पर पुल हुआ क्षतिग्रस्त। पुल की बीच का हिस्सा नीचे की तरफ धंसा। निर्माण के कुछ ही समय बाद हुआ क्षतिग्रस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे सहारनपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, तो कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का भी लेंगे जायजा। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। सागला में फंसे कई पर्यटकों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिमला लाया गया। साथ में मौजूद रहे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। ब्यास नदी में बाढ़ की वजह से लेह लद्दाख को जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। रोड बंद होने से कई दिन से फंसे हुए वाहन चालक लोग कर रहे हैं सड़क खुलने का इंतजार।
बुलंदशहर के राजघाट में बढ़ा गंगा का जल स्तर, घाट के किनारे पर बनी दुकानों में पानी घुसा, दुकानदारों ने सुरक्षित जगह सामान शिफ्ट किया। मेरठ जिले के निचले इलाकों में गंगा के पानी से आई बाढ़। हस्तिनापुर के खादर क्षेत्र में हर तरफ गंगा का पानी, खेतों में पानी भरने से किसानों के सामने पशुओं के चारे की समस्या। यूपी के कासगंज में नरोरा बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। गुरुवार सुबह 1,273 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इलाके के गांव में जारी किया गया बाढ़ को लेकर अलर्ट। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मेट्रो ट्रैक से महज कुछ नीचे बह रहा है पानी। एहतियात के तौर पर मेट्रो की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गई है। सावधानी के साथ हो रहा है मेट्रो का संचालन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज करेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। फाजिलका और फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचेंगे सीएम। अब तक 14,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। असम में हो रही बारिश से बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। नदी किनारे से लगते इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन हुआ प्रभावित। जम्मू में होने लगी पेट्रोल की किल्लत, नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से सप्लाई बाधित, जरूरी चीजों की आपूर्ति पर भी पड़ रहा है असर। उत्तराखंड के कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल हुआ क्षतिग्रस्त। पुल का एक नीचे नदी में वो जा गिरा है, अब दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है पुल। लोगों के सामने आवाजाही में समस्या। जोशीमठ में मानसून की बारिश ने बढ़ाई आम आदमी की मुश्किल। आपदा में फंसे यात्री की बाइक को जेसीबी से बाहर निकाला गया। बीआरओ ने बाइक को नदी के पार पहुंचाया। टिहरी में बद्रीनाथ से हरिद्वार आ रही बस पलटी। हादसे के समय बस के में सवार थे 19 मुसाफिर, एक यात्री को लगी मामूली चोट। NH 58 पर कोडियाला के पास हुआ यह हादसा। टिहरी में नेशनल हाईवे 707 पर लैंडस्लाइड, नंदगांव और पीपल डाली के पास मार्ग बाधित। मलबे में दबकर एक शख्स घायल, एक युवक खाई में गिरा। रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची SDRF। उत्तराखंड के विकास नगर में सामने आया पहाड़ी दरकने का ये वीडियो। कुवानू मोचर मार्ग पर तारली खरट के पास लैंडस्लाइड हुआ है। देखते ही देखते पूरी रोड मलबे में हुई तब्दील। ग्रेटर नोएडा में परी चौक पर लगा 1 किलोमीटर लंबा जाम। बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम के चलते उमड़ी भीड़, रेंग रेंग कर चलती नजर आई गाड़ियां। पीएम मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीयों को किया संबोधित। पीएम बोले, आपको भारत में निवेश के लिए आगे आना होगा। अब भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी बोले, विदेश में हर भारतीय है भारत का राजदूत। फ्रांस में भारत के संत तिरुवल्लूर की प्रतिमा को किया जाएगा स्थापित। भारत और फ्रांस के बीच UPI को लेकर भी हुआ करार। बहुत जल्द भारतीय पर्यटक एफिल टावर में भी UPI से कर पाएंगे भुगतान। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। पीएम बोले, हिंदुस्तान के लिए पूरा विश्व है एक परिवार। भारत फ्रांस संघ भी है और रंग भी। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। अब भारत पहले से चली आ रही समस्याओं को निकाल रहा है स्थायी समाधान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम भारतीय जहां भी जाते हैं वही मिनी इंडिया बना देते हैं। मोदी बोले, कहीं से नमस्कार की आवाज आती है तो लगता है कि घर आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को राष्ट्रीय दिवस की दी बधाई। मोदी बोले, इस खास मौके पर न्योता देने के लिए फ्रांस के लोगों का आभार। पेरिस के लासीन म्यूजिकल में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस दौरान भारतीय सेना के राजपूताना राइफल्स बैंड ने दी प्रस्तुति। फ्रांस ने पीएम मोदी को किया सम्मानित। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये सैन्य और नागरिक आदेशों में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बने। आज होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर भरेगा उड़ान। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लॉन्च करेगा चंद्रयान। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM3 लॉन्चर का हो रहा इस्तेमाल। स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी लॉन्चिंग। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो प्रमुख S. सोमनाथ पहुंचे
चिंगलम्बा मंदिर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए वैज्ञानिकों ने की प्रार्थना। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में प्रार्थना की गई, मिशन के कामयाब होने के लिए की गई दुआ। चंद्रयान 3 को लेकर बोले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण, कहा भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा चंद्रयान 3, इसकी सफलता बनेगी दुनिया के लिए प्रेरणा। चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना है। ये प्रयोग चंद्रमा की सतह की संरचना है, भूवैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। चंद्रमा के इस इलाके में रहती है छाया, यहाँ पानी के बर्फ के होने का भी अनुमान लगाया जाता है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। 2018 से 19 के आयकर असेसमेंट को केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका कर खारिज कर दी थी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज 2 केसेस में जमानत मांगी गई। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत में आज होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की 4 याचिकाकर्ता की ओर से दर्ज पुरातात्विक सर्वे की अर्जी पर होगी सुनवाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मुंबई की नूरानी मस्जिद के बाहर लगे QR कोड स्कैनर को पुलिस ने हटाया। मस्जिद ट्रस्ट ने दिया बयान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश पर लगाए गए थे स्कैनर। महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। अजित पवार समेत एनसीपी के नए गुट के 9 विधायकों ने ली थी मंत्री पद की शपथ। कई अहम मंत्रालय को लेकर चल रहा है गतिरोध। वित्त मंत्रालय अजीत पवार की अगुवाई वाले एनसीपी धड़े को देने की अटकलों पर शिंदे गुट के मंत्री उदय सावंत का बयान, सीएम पर है पूरा भरोसा, किसी बात को लेकर नहीं झुकेगा शिवसेना को। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। राज्य में बनाए जा सकते हैं कुल 43 मंत्री, फिलहाल 14 पद खाली है। विस्तार से शिवसेना बीजेपी को 5-5 और अजीत गुट को 4 पद मिलने के आसार है। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में गतिरोध जारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को राहुल गांधी ने किया दिल्ली तलब, अशोक चव्हाण और पटोले रेस में सबसे आगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बाला साहेब के विचारों को लेकर ही काम कर रही है मौजूदा सरकार। पीएम मोदी ने बाला साहेब के संकल्पों को किया साकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। 2019 में बीजेपी की पीठ में घोपा छुरा, बीजेपी अपमान सहलेगी लेकिन बेईमानी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ठाकरे गुट ने स्पीकर के फैसला लेने में देरी पर दाखिल की है याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत पर आज मुंबई सेशन कोर्ट में तय होंगे आरोप। 1,000 करोड़ FSI घोटाले का है आरोप, मामले में संजय राउत की हुई थी गिरफ्तारी। बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत से जहानाबाद के कल्पा गांव में पसरा है मातम, परिजनों में शोक की लहर। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कल सुबह ही पटना पहुंचे थे विजय सिंह। बीजेपी के झंडे में लपेटकर विजय सिंह के शव को पटना में पार्टी दफ्तर रखा गया। श्रद्धांजलि देने पहुंचे पार्टी के नेता कार्यकर्ता, विजय सिंह का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी दी पार्टी नेता विजय सिंह को श्रद्धांजलि, बोले जुझारू नेता थे विजय सिंह, उनके पूरे परिवार को गोद लेगी बिहार बीजेपी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, जंगलराज के विरोध में शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे नेता की हुई बर्बर हत्या, पुलिस की कार्रवाई माफी के लायक नहीं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लाठीचार्ज पर सफाई दी, बदले की भावना से नहीं हुई कार्रवाई। विरोध प्रदर्शन में शिक्षक और किसान संघ नहीं था शामिल, बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे हुड़दंग। लाठीचार्ज को लेकर चिराग पासवान भी बरसे, बिहार में नीतीश राज में चल रहा है अघोषित आपातकाल। शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज के दौरान मौत होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। पटना में लाठीचार्ज को लेकर बोले LJP नेता पशुपति पारस, पुलिसिया कार्रवाई सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा, भ्रष्टाचार के किले को बचाने में जुटी नीतीश सरकार। RLJD अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश सरकार पर बोला हमला, आंदोलनकारियों के सवालों पर ध्यान देने की जगह सरकार आंदोलन जवाब में जुटी हुई है, लोगों की पुलिस से कराई जा रही है पिटाई।
जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दिया अजीबो गरीब बयान, आंदोलन करना सभी का अधिकार, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे गुंडागर्दी, जो हुआ ठीक हुआ। बीजेपी से सस्पेंड चल रहे तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह का फिर आया विवादित बयान, बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले पुलिस पर लाठी से ऐसे करो प्रहार की आ जाए नानी याद। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल कैबिनेट का आज होगा एक और विस्तार, मोहन मार्कम लेंगे मंत्री पद की शपथ, एबीपी न्यूज से बोले बकराम उम्मीदों पर खरा उतरने की करूंगा कोशिश। कैबिनेट से हटे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह का बयान, इस्तीफा दिया नहीं ले लिया गया है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है, मंत्रियों के विभागों में हो रहा हो सकता है फेरबदल। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा सभी के लिए है बिजली चोरी की छूट, विधायक का विवादित वीडियो वायरल, बीजेपी ने दिव्या मदेरणा को लिया निशाने पर। योगी सरकार ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को फिर दिया झटका, 22 ट्रेनी सुरक्षा हटाई गई, आदेश मिलते ही रामपुर एसपी ने सुरक्षा कर्मी वापस बुलाए, घर पर तैनात पुलिसकर्मी भी हटाए। यूपी की सियासत में लाइमलाइट लूट चुका सारस फिर से सुर्खियों में, सारस को बचाने वाला आरिफ पहुंचा कानपुर जू, आरिफ को देख अपने बारे में इधर उधर भागने लगा सारस। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी हिंसा का दौर नहीं ले रहा थमने का नाम, नॉर्थ 24 परगना जिले में बीजेपी के 3 उम्मीदवारों के घरों पर हमला हुआ, चुनाव हार गए हैं 3 उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के भोपाल में कर्ज के बोझ तले डूबे एक परिवार ने की खुदकुशी, पति पत्नी के शव फंदे पर लटके मिले, जबकि 2 बच्चों को जहर देने की आशंका है, पुलिस को मौके से मिला सुसाइड। मध्य प्रदेश में फिर सुनाई दी व्यापम घोटाले की 8, पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर इंदौर में हुआ विरोध प्रदर्शन, भर्ती परीक्षा नतीजों की जांच कराने की मांग। मध्य प्रदेश के सागर जिले में भी पटवारी भर्ती के नतीजों के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन, नाराज लोगों ने कहा युवाओं के साथ नहीं होने देंगे अन्याय, नतीजों की जांच सीबीआई से कराने की मांग। सीमा हैदर को लेकर मुंबई पुलिस को धमकी मिली, पुलिस कंट्रोल रूम को आया कॉल, सीमा को भेजो पाकिस्तान नहीं तो 26/11 जैसे आतंकवादी हमले के लिए रहो तैयार। महाराष्ट्र की जेलों में बंद विदेशी कैदी कर सकेंगे अपने घर वालों से बात, जेलों से शुरू हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, 2 हफ्ते में एक बार वीडियो कॉल कर सकेंगे विदेशी कैदी। वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी, रोहित ने लगाया टेस्ट क्रिकेट के 10वां शतक, भारत ने इंडीज पर 95 रन की बनाई बढ़त।